हेलो बहनों और उनके भाइयों। तो आज हम लोग ट्विन बने हुए हैं, ट्विनिंग कर रहे हैं ट्विन बने हुए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरी बड़ी बहन है। ये मजाक था, मम्मा लगती है मेरी मम्मा वाला इसी एंगल से। तो मैं हर दूसरे घंटे अपना वेट करती हूँ और एक मेरा वजन कितना है? वाह 40। आपका वजन मैं पूरे यूट्यूब पे बताऊंगी कितना है। बता दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बता दे। मेरा भाई नहीं लगता। अम्मा अम्मा क्या करी, फोन उठा रही हैं अपने ब्लैकबेरी व्हाटएवर, नॉट स्पॉन्सर्ड। तो तेरे हम लग रहे हैं एक जानवर रहता है, शेर है। उस जानवर का नाम शेर है। है तो जानवर है तो शेर ना। तो मम्मा गीदड़ भी तो जानवर होता है, लेकिन वो गीदड़ होता है। मैंने वैसे नहीं कहा वो शेर है। अब हम जा रहे हैं बाहर एम्पोरियम मॉल, नॉट स्पॉन्सर्ड। वैसे इतना बड़ा मॉल है, उसको क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ता मुझे, क्या फर्क पड़ेगा? मैं अभी इतनी बड़ी स्टार कोई पहचाने ना पहचाने। हाँ तो हम जा रहे हैं मॉल। तुम बाहर ना सुनगा कि मेरे मम्मा, मेरी मम्मा ने बहाने ढूंढते मेरे बाल सूंघने के। मम्मा भी ना क्या यार ये फिर मेरे बाल सूंघती हैं। ये रात को भी ऐसे आती हैं मुझे प्यार करने के लिए। और सर में से बदबू नहीं आती सर्दियों में, ये एक्चुअली नहाती नहीं है महीना। मम्मा कम करो। फिर इसने अपना वो शैम्पू जो है ना आप गर्मियों में अपने भाई को दे दिए, वो गर्मियों में नहीं नहाता है ना। नो ब्रदर वाज हार्म्ड इन दिस वीडियो। ऐसे है ना, whatever, हम जा रहे हैं ना। हमें जल्दी है, हमें देर हो रही है। बाय उठो मान, ओ उठो ए उठ मान, ए मान, ए उठ चले ना कर दिया, उठ चले। क्या चलें? वीडियो बना रही है ये स्पॉन्सर करने के लिए तुझे। मैं स्पॉन्सर कर रही हूं, बिक जाएगा 2 रुपए का। तूने सॉक्स मांगी थी हैं, वो सॉक्स नहीं पहने जी। तो घर वालों का वेट करते हुए मैं नीचे जा ही रही हूँ कि मैं पहले जाके गाड़ी में बैठूँ, क्योंकि ये लोग देर लगाएंगे। अभी उनकी बहस चल रही थी, किसी को जूता नहीं मिल रहा था, किसी को टाई नहीं मिल रही थी। और जी तो यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आ रही थी और मैंने कहा क्या मस्त लाइट है और कितना अच्छा फिल्टर सज रहा है मेरे मुँह पर। हम जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। अब हम लोग पार्किंग में पहुंच गए हैं। मैं मम्मा भूल गई थी कि हम ब्लॉग बना रहे थे, तो मम्मा अभी सरप्राइज्ड शॉक्ड होके मेरी तरफ देख रही थी। तो मैंने कहा कि मैं उनको बता दूं कि हमारा ब्लॉग बना रहा है, क्लियर? ठाट 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 अभी आई मैं पार्किंग, यू नो रिच रिच बच्चे चेक। अभी कहेंगे मास्क लो मास्क लो। मम्मा नहीं मास्क नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, चुप चुप करके चले। हाँ जी हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। इसके बाद हम जा रहे हैं, या मैं कह रही थी कि यहाँ पे बोतल गिरने वाली है, इसको ना हम उठा लें, चोरी कर लें। मतलब चोर नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरा दिल कर रहा था, पता नहीं क्यों। हम कभी कभी भूल कर इन सीढ़ियों पे दूसरी तरह भी चढ़ते हैं, लाइक हाँ जैसे हमने अभी गिर जाना, मम्मा को डर लगता है जैसे। गिरा था और मेरे पास घुट गया, तब से मुझे डर लगता है। लाहौरी आवाम अपने गंदे एक्सेंट के साथ, नो लाहौरी वाज डैमेज्ड इन दिस वीडियो।
अमीर लोग हैं यार यहाँ इसकी स्पीड तेज करो मेरा कोई मूड नहीं था कैमरा खोलने का मेरी मम्मा ने मुझे मजबूर किया है ऊपर क्या था ने हाँ फ्री में दे रही है ये कह रहे हैं जो यहाँ पे व्लॉग बनाने हैं उनके लिए फ्री है ये ऊपर गिफ्ट नहीं है ऊपर ऊपर खाली है यार ये ऊपर से देखा था मैंने ये सारे गिफ्ट खाली हैं खैर व्हाटएवर ये लोग ऐसे ही खड़ी करते हैं गाड़ियाँ निकालती नहीं है किसी की मैं बता रही हूँ दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी आके अले 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 इस इंसान से सबर नहीं हो रहा था मोज़रेला स्टिक्स में चीज नहीं होगी तो क्या होगा ब्रो बाहर गया उसके मम्मा खाएं अनियन स्टिक अराइयों वाले काम करें अराइयों वाले काम क्या ये अनियन रिंग है मुझे लगा ऐसे गोलगप्पा फटा हुआ है ऐसे जी तो व्लॉग बनाते बनाते हमने कहा कि इसको टिकटॉकर्स वाला टच दे देना चाहिए इसके बाद शुरू होता है रिव्यू टाइम ओके अब्दुलरहमान आपका स्टेटस रिलेशनशिप स्टेटस इट्स कॉम्प्लिकेटेड विद किड चिल्ड्रन सिक्स मुझे स्नैप पे भेज चले रही है ना हाँ कोशिश कर रही है ना आ जा मान प्लीज यार बनाने दे मान 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 मेरे एक क्वेश्चन है आप सबसे कि ये इस आंटी ने क्यों नहीं सलवार पहनी हुई आई डोंट नो रो इसको उठाओ मैं क्यों उठाऊं इस दिस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इस दिस हम पहुंच गए एक ऐसी दुकान पे जो कि ना कि मिनीसो था और ना कोई और मतलब चाइनीज़ नाम था पता नहीं क्या नाम था इसका पता नहीं याद नहीं आ रहा हमने यहाँ से देखी ग्लासेस और आप लोग हमें इग्नोर कीजिएगा हम लोग बड़े खुश थे ग्लासेस लगा के इसके बाद मैंने ये देखी टोपी जो कि मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए पहनी थी और जब इसकी प्राइस देखी तो इसको वापस रख दिया जी तो इसके बाद हम पहुंच गए हैं आउटफिटर्स और इसके बाद मेरा एक अगली भाई आया मेरे पास और मुझे कहने लगा कि एक चॉपर फटने वाला है ओह सॉरी मैंने कहा था कि मैंने विंडो शॉपिंग की हूँ ये दोनों घर में एक डॉक्टर होने के बावजूद फिर भी यहाँ पे ज़ीरो पे आए हुए थे मुफ्त में अपने आप को दबाने के लिए और मैं वहाँ पर चुप करके खड़ी थी क्योंकि ये लोग मुझे पहचान रहे थे और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और मैं बस हंस रही थी इसके बाद जी हम जा रहे हैं घर वापस और मैंने पार्किंग की वीडियो नहीं बनाई पता नहीं क्यों पता नहीं और हम जा रहे हैं जी 80 की स्पीड में क्योंकि मेहरान इससे ऊपर शायद नहीं जाती तो हम जा रहे हैं 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 गाड़ी में गाने चल रहे हैं तभी मैं अपनी बकवास जारी रख रही हूँ ताकि कॉपीराइट ना लगे जी तो हम जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं ये कौन सी रोड है ये लाहौरियों को पता होगा हाँ और मैं अपनी ईवल स्माइल के साथ मैं आप लोगों को एक गंदी स्माइल पास करते हुए बता रही हूँ कि मैं ATM आई हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे हैं जी तो बैठे बैठे मम्मा को याद आया कि आज मैंने इसकी बेइज्जती नहीं की तो मम्मा शुरू हुई है मेरी बेइज्जती करने पर मुझे डांटने पर और मैं चुप करके सुन रही हूँ जस्ट मम्मा की बातें और वेट कर रही हूँ कि मेरा भाई जल्दी आ जाए और मम्मा को कोई और टॉपिक मिले उसकी बेइज्जती करने का हाँ जी तो मैं बैठी हूँ यहाँ पर बोर होती हुई बस मम्मा की बातें सुन रही हूँ और मम्मा मुझे डांट रही हैं हम यहाँ आए थे फिर से फ्यूल डलवाने के लिए क्योंकि पेट्रोल के हालात आप सब जानते हैं और आप लोग मेरे पैसों को नज़र ना लगाएं जो आगे खुले पड़े हुए हैं जी तो अगर किसी फ़कीर की या किसी लाहौर के फ्राइडे बैगर की इस पर नज़र पड़ती है तो वो ये कह देता है कि पैसे दो पैसे 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 ओके एंड आगे चलते हैं हमने यहाँ से फ्यूल डलवाया और हमने इनको कार्ड दिया कार्ड देने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे कार्ड नहीं चलता
तो हमने इनको कहा कि हम दे जाएंगे पैसे, और इन्होंने हम पे बेइज्जती करते हुए इन्होंने कहा कि हम साथ आएंगे, आप लोग पैसे लेके भाग जाओ। तो हमने फिर ऐसा किया, मम्मा पीछे आके बैठी और मैं भी पीछे बैठी थी, और अंकल को बिठाया, एक जो बुढ़ा अंकल बैठा था, तो वो हमारे साथ एटीएम तक आया। एटीएम तक हम लोगों ने उसे फिर जितने पैसे थे वो निकलवा के दिए। जी अभी मेरे भाई को एक फजूल बात याद आई, और उसको ये भी नहीं पता था कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, ये भी पता था बल्कि, और फिर भी वो बीच में शुरू हो गया, और मैंने कहा कि ये बकवास तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, और उसने मुझे कहा कि इसके ऊपर टू लगा देना। मैंने कहा ओके, और मैंने अपनी बकवास जारी रखी, और हम लोगों ने उस बात को बड़ा इन्जॉय किया, और किसी को रोस्ट भी किया। और उसके बाद हम लोग जी यहाँ से जा रहे हैं वापस उस अंकल को छोड़ के, और फिर हम लोग घर की तरफ, और ये चाचा सोया पड़ा है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, हमने अपनी बॉस को निकाला है इससे बाहर, और हम जा रहे हैं जी। तो इसके बाद हमें एक गाड़ी नज़र आई जो हमें सुबह से काफ़ी दफ़ा नज़र आ चुकी थी, तो मैंने कहा कि भी वीडियो बना लेनी चाहिए और इसको भी थोड़ा सा रोस्ट करना चाहिए जी। हम जा रहे हैं फिर से शॉपिंग करने। ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਣੀ ਬੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਕਿਤਨੇ ਫੋਲੋਅਰ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਉਸकी ਨਾ ਫੈਨ ਬੇਸ ਲੋਇਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਵਲੌਗ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੱਚ ਸਟੂਪਿਡ ਵਲੌਗ ਆਪਣੀ ਜੀ ਇਸਕੋ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਅ ਕਿਊਟ ਵਲੌਗ ਸੱਚ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵਲੌਗ ਸੱਚ ਅ ਇਸਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਅੱਜ ਕੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੋ आज के लिए काफ़ी हो गया। पहली ट्राई थी स्नैपचैट से, तभी बनाया क्योंकि फिल्टर लगाती एडिट करती बला बना अपना मुझसे नहीं होता ठीक है। हम तो ऐसे भी अरे क्या मस्त लाइट आई है ऐसे मुंह पे। अंकल कल्टस वाले वापस आओ। अच्छा तो बात ये है कि सुबह मेरा पेपर है फाइनल। मैम अगर आप ये देख रही हैं तो प्लीज़ मुझे -5 मत दीजिएगा, मैंने ग्लव्स भी नहीं पढ़ा। और मैम अगर आप देख रही हैं तो प्लीज़ प्लीज़ अल्लाह आपके बच्चों को पास कराए। क्या फ़कीरों वाली दुआएं दे रही हूँ मैं सॉरी। पेपर में क्या आना है या किस चीज़ का पेपर है सॉरी। आप सब दुआ करें मैं पास हो जाऊँ, मैं एक अच्छा व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। ये पहली कोशिश थी जिसमें मेरा फाइनल बर्बाद हो चुका है, और मेरी सारी पॉकेट मनी बर्बाद हो चुकी है, और मेरा एक पूरा दिन मेरी टांगे बहुत दर्द हो रही है। अब जब हम गए ना देर वॉज अ गाय लाइक ही वॉज लिटरली क्राइंग लाइक अ बेबी लाइक। हाँ तो मैं बता रही थी कि जिस बात पे हमारी लड़ाई हो रही थी कि तुम इससे जाके पूछो इसको क्या हुआ, और मैं अपने भाई को कह रही थी कि तुम मुझसे जाके पूछो उसको क्या हुआ, एंड इसी बात पे हमारी लड़ाई शुरू हो गई। मेरे भाई ने मुझे धक्का दिया एंड मैंने उसे मारा, एंड हम लोगों ने एक दूसरे को बड़ी गालियाँ शालियाँ दी और अब्यूजिव लैंग्वेज और फला 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 कुत्ता और व्हाटएवर ठीक है। तो वो जो रो रहा था उसने अपनी आँखें साफ की, ही जस्ट लुक्ड एट अस लाइक दिस। इनका भाई ये वाला कर दो एंड ये लग लो ये भाई हैं आपके, एंड आई सेड हाँ बदकिस्मती से। आज एक नेक काम किया मैंने, ये एक अच्छा काम था कि उस बेचारे रोते हुए बंदे को हमने थोड़ी सी लाइक कोशिश करके उसको थोड़ा सा सताया, एंड हमें बहुत खुशी हुई वाकई है। एट लास्ट मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि मैंने वाली वीडियो दिखाई थी ग्लासेस वाली, और मैंने पूछा भाई क्या मैं अपने भाई को ये वाली ग्लासेस ले दूँ, कुछ कर रहे हैं एंड ही स्टार्ट इतना तो प्यारा लग रहा है भाई लेने का ओके 500 बर्बाद की मैंने अपने भाई पे, एंड हम दोनों ने वो वाली ग्लासेस ले लिए और हम आप लोगों को पहन के दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर इस पर 10,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ गए तो हम अगला पूरा व्लॉग उन्हीं ग्लासेस के साथ बनाएंगे ओके। एक और बात आप सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि
खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें, खुशियाँ फैलाएं और कोशिश करें कि किसी उदास चेहरे पर आप लोगों की वजह से ऐसी वीडियो का मकसद किसी की दिल आजारी नहीं है, खुश रहें, दूसरों को रहने दें और अपने काम से काम रखा करें, स्पेशली फॉर माय रिलेटिव्स और वो हेटर्स वगैरह भी। बात तो इतनी क्यूट, मेरे हेटर्स हैं नहीं, सॉरी इट वॉज अ जोक। क्या लाइट पड़ी है। अच्छा तो खुश रहें, दूसरों को खुश रहने दें और खुशियाँ फैलाते रहें और हमेशा खुश रहें। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से किसी दूसरे को दुख ना पहुँचे। और दुख पहुँचाने वाले भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको शर्म होनी चाहिए। डूबर बाय, सब्सक्राइब टू माई चैनल।